नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मोहन एक बार फिर अपने YouTube चैनल पर। और आज का जो हमारा सेशन अभी वो है कि भी हरियाणा के जितने भी बच्चे हैं, मेहनती बच्चे हैं, वो और मेहनत करें, दिन रात मेहनत करें, क्योंकि ये आपके माँ बाप के सपनों की परीक्षा है, ना कि सिर्फ आपकी। अभी आपका कुछ ही दिनों के बाद CET एग्जाम्स होने वाला है। मार्केट में अफवाह है CET होगा या नहीं होगा, लेकिन आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। CET आपका 100% आपका पेपर होगा। लेकिन अब बात है कि भी जो हमने एक बैच शुरू किया था, और शुरू में था कि पता नहीं कितना सक्सेस होगा कितना नहीं होगा, लेकिन अब जाके एहसास मुझे 100% ये हो गया है। इन बच्चों की शक्ल देख लो, ये पूरे हरियाणा से बच्चे अभी एक दो बार और गया हुआ है। अगर इनमें से एक भी बच्चे का CET रह जाए ना भाई, रोहतक में आके ये कह देना कि आप लोग क्या कह रहे थे, लाइव वीडियो में कह रहा हूं। अगर इन बच्चों ने ऐसी मेहनत की जैसे अब तक इन्होंने 5-7 दिन मेहनत की है, ये बिल्कुल 100% गारंटी के साथ है। और दूसरी खास बात, इनके लिए कोई संडे, रविवार, दशहरा, दिवाली कुछ नहीं है। कल भी संडे को ये आए और 9 बजे से लेकर शाम को 4-5 बजे तक इन्होंने पढ़ाई किया। अब आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है या फिर क्या है, वो अजय ग्रेवाल आपके सामने वो बताएंगे। नमस्कार साथियों, मैं अजय ग्रेवाल, सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम करता हूँ चैनल पे। तो आज क्या हुआ था बच्चे, आज यहाँ पर पूरी इकोनॉमी और पिछले एक साल का करंट अफेयर का टेस्ट हुआ भाई, 100 नंबर का। कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं दिया गया था इन्हें, हमारी तरफ से रिवाइज करवाई गई थी चीजें, जितना हम फास्टली पढ़ा सकते थे पढ़ाया गया। उसके बाद इनको क्लियरली चैलेंज दिया जाता है यहाँ पे कि भाई आपका एक रिटर्न होगा, उस रिटर्न में जो आप स्कोर लेके आएंगे वही डिसाइड करेगा कि आप लोग कहाँ तक पहुंचे, कहाँ आपकी तैयारी है। तो एक बार पहले हम स्कोर जान लेते हैं सभी बच्चों का, लगभग अच्छा ही परफॉर्मेंस है, लेकिन एक बार स्कोर आप अपने मुंह से सुनिएगा। हाँ भाई, 100 में से 90 नंबर आए हैं। 100 में से 90 आए हैं भाई। कौन से क्वेश्चन गलत हुए, इकोनॉमी क्या करंट अफेयर्स के? इकोनॉमी के का गलत हो गया, जो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत मिस्टेक हो गई थी इसकी वजह से। अच्छा, 100 के 100 अगले में कितने आएंगे? पूरे 100 के 100। और क्या बात है। हाँ भाई, 80 नंबर आए हैं, प्रोग्रेस है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ भाई, 96 सर, 96 करंट अफेयर और 3 सिले मिस्टेक। अच्छा, करंट अफेयर्स पे हो गया कॉन्फिडेंस? हाँ जी बिल्कुल सर, एग्जाम में कर दोगे? बिल्कुल। हाँ भाई, निशा 93 साथ कहाँ गई? डेट में कुछ कंफ्यूजन रहने की वजह से। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ भाई, 86 कम है सर, थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में दिक्कत होगी। अच्छा, क्वेश्चन समझने। हाँ भाई, 84 मार्क्स हैं भाई 100 में से। हाँ भाई, कहाँ से आया है? ओकलाना से आप स्पेशली हो, है क्रांतिकारी बच्चा है, कर बहुत कुछ सकता है, लेकिन कल यो गायब था क्लास से, ठीक है। इसकी घंटी ले आए थोड़ी आन में। हाँ भाई, रजनी 87 भाई, इसने भी अभी कल से इसने मेहनत शुरू किया है और पहले ही दिन जबरदस्त शानदार प्रदर्शन दिया। 95 सर। अभी मन्नू 95 है, बहुत बढ़िया। 5 है सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया डेट्स में सर। करंट अफेयर्स हो गया ना, कॉन्फिडेंस कर दोगे? 65 भाई, अभी इसको थोड़ी पिटाई की जरूरत है, नया नया छोटा बच्चा, अभी इसको देखेंगे। 76 भाई, कहाँ से आया है? महेंद्रगढ़ से। अभी 76 स्कोर है, इसका थोड़ा हक कम इसलिए है क्योंकि इसका एक पेपर और, कब का पेपर है? 21 तारीख का, इसको पहले कर रखा, थोड़ा बहुत कम स्कोर ले सकता है। ये है भाई, ये भी नई स्टूडेंट आई है मोनिका, कितना है भाई? 42 इनका मार्क्स आया है, अभी इन्होंने आज से ही ज्वाइन किया है। ये भाई घनश्याम जी, ये हैं संभाल खासे हैं भाई, ठीक है। कितने आए हैं दिखाओ, 82 स्कोर आया है इनका 100 में से। और ये अपना स्पेशल बिजनेस छोड़ पर शक्ल तो दिखाओ, स्पेशल भाई शक्ल भाई अपना बिजनेस छोड़ के स्पेशल मतलब कि मेहनत करने के लिए आए हैं, और रियल में ये मेहनत कर रहे हैं भाई, शानदार भाई, बहुत बढ़िया भाई। हाँ भाई, सुमित 93 भाई, बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है भाई, लेकिन इसके थोड़ा सारी कमर में दर्द रही रो है, ठीक है, मतलब भागने की ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। 7 नंबर कहाँ गई? पढ़न में दिक्कत हो गया। हाँ भाई, शाबाश। हाँ भाई, ये क्या नाम है? अनिल। कहाँ से आया है? चरखी दादरी से। भी देखो, भी अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए पहुंचा रोहतक में। और स्कोर कितना किया है? 94 स्कोर किया है भाई। और जो किसी का डाउट हो भाई, इन टेस्टा नंबर सारा ग्रुप में डालूंगा आज, अरे स्कोर चेक करके देख लियो कि भी आपका कितना है। अगर आपका स्कोर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर CET में 70 नंबर से कम आ रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आज शाम से 8 बजे आपके लिए फ्री क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। शाम को 8 बजे मैं आऊँगा, ग्रेवाल सर आएंगे, मतलब कि मैराथन क्लास आपको लेंगे 1 या 2 दिन में, जो आप
ये कह रहे हो ना एक दो दिन में चीजें रिवाइज नहीं हो सकती, वो आपको लाइव करके दिखाएंगे कि एक दो दिन में पूरा सब्जेक्ट को हम कैसे रिवाइज करते हैं। कुछ कहना चाहूंगा? हाँ, मैं बिल्कुल सर कहना चाहूंगा, जैसे जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उसके ऊपर एक दो बच्चे का कमेंट था, मैं बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ एक एक कमेंट को, और केवल जो मेरे को लगता है कि इसका रिप्लाई करना चाहिए उसी का रिप्लाई करता हूँ। एक बच्चे का कमेंट था कि सर आप तो भगवान हो गए। भाई बच्चों ने खुद ये बताया था कि 8-7 दिन हुए बैच को चलते हुए, उसमें हमारा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और इकोनॉमी हाफ हुआ है। तो बच्चे मैं बताना चाहूंगा, ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो कि हमने पहले ही बोला था कि ये बैच उनके लिए नहीं है जो जीरो लेवल से चीजें स्टार्ट होंगी, जो अकेडमी में चलता कि यहां आए लिखवाएंगे, यहां पर लिखो 12 से 35 मौलिक अधिकार, ये चीजें नहीं। यहां पर ये उनके लिए बैच है, हमने पहले बोल चुके हैं कि 50+, तो मतलब इतना फास्टली चल रहा है कि आप यहां आके देख लो आपको पता चल जाएगा। ये बच्चे सब अपने मुंह से बोल रहे हैं, है ना। तो ये चीजें हैं भाई, और सुबह 9 से लेकर शाम के 5 बजे तक क्लासेज हैं, तो आप समझ सकते हो इतने घंटे में क्या पढ़ाया जा सकता है, वो भी स्मार्ट बोर्ड पे। स्मार्ट बोर्ड पे तो चीजें और भी मतलब फास्टली चीजें हो सकती हैं, और जो मेरे साथ जुड़ा हुआ पीछे उसको इतना तो पता ही होगा कि मेरी स्पीड क्या है, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। और इतना ही बोलना था कि अभी ये ग्रुप में डालेंगे और आप इसको चेक कर लेना, अपनी तैयारी भी चेक कर लेना, है ना, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। और ये भी मैं बिल्कुल श्योरली अब कह सकता हूं कि यहां पर जितने भी बच्चे आए हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका सीटी नहीं होगा। इनकी शक्ल आप लोगों ने देख लिया होगा, 100% इन सब बच्चों का होगा अगर ये इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो, क्योंकि डिपेंड करता सारा इनके ऊपर, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है। जो मेहनत है इन बच्चों की, मेहनत है, डेडिकेशन, वो इन बच्चों का है। हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट दे सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बस यही कर सकते हैं, बाकी जो करना बच्चों ने करना है। तो आज के लिए इतना है, थैंक यू, बाय बाय।